अगर आप इस तरह से नमक पारे बनाएंगे तो जो भी देखेगा इसे ज़रूर खाएगा। ये देखने में जितने अच्छे हैं खाने में इतने ही टेस्टी और ख़ासता हैं। इसे बनाकर आप महीने भर तक स्टोर कर सकते हैं। तो आइए इसकी रेसिपी देखते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशात और आप देख रहे हैं मेरा चैनल निशात सिंपल कुकिंग। नमक पारा बनाने के लिए मैंने यहाँ मैदा लिया है 1.5 कप। मैदे को मैंने छान के रख लिया है। नमक डालेंगे 1 टीस्पून, अजवाइन डालेंगे 1/4 टीस्पून और कलौंजी डालेंगे 2 पिंच। ज़्यादा कलौंजी नहीं डालना है, जो मुँह में आती है तो कड़वा लगता है, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा ही कलौंजी डाला, लेकिन इसका फ्लेवर नमक पारे में बहुत ही शानदार लगता है। कुकिंग ऑयल लिया है 1/4 कप या 3 टेबल स्पून। यहाँ इसमें कुकिंग ऑयल थोड़ा सा कम है 1/4 कप से। इसमें नमक, अजवाइन और कलौंजी को डालेंगे। अगर आप कलौंजी पसंद नहीं करते तो आप ना भी डालें। मिक्स कर देंगे और इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। इसकी जगह पे आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। जो बचा हुआ है वो भी डाल देंगे। अच्छे से इसमें रोगन डालने से नमक पारा काफ़ी खास्ता तैयार होता है। देखिए काफ़ी अच्छी बाइंडिंग हो रही है इस तरह से। देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूंद लेंगे। गूंद के इसे और 5 मिनट तक बहुत अच्छी तरह से गूंदना है। थोड़ा सख्त ही रखें आटे को, सॉफ्ट आटा नहीं गूंदना है। देखिए थोड़ा सख्त है आटा, 5 मिनट तक इसे लगातार इस तरह से गूंदेंगे। आटे को गूंद के गीले कपड़े से ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद एक बार और अच्छी तरह से गूंद लेंगे। इस आटे की छोटी छोटी लोई बनाएंगे, बिल्कुल छोटी सी। कंचे से थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। इस तरह से कुछ बॉल तैयार करके रख लेंगे। अब इसकी छोटी सी पूड़ी जैसा बनाएंगे। बिल्कुल पतली बेलना है। आप चाहें तो किसी कटर से भी बड़ी सी पूड़ी बेल के आप किसी कटर से काट सकते हैं। इस तरह से अब इसमें कट लगाएंगे लंबा लंबा और फोल्ड करेंगे इस तरह से, इस साइड से। साइड को दबा देंगे और ये शेप की देखिए। आप चाहें तो इसे साइड से थोड़ा कट भी लगा दें अच्छी शेप देने के लिए। इसी तरह से कुछ बेल के रख लेंगे, बना के एक प्लेट में रखेंगे और इसे गीले कपड़े से ढक देंगे कि इस पर पपड़ी ना पड़े। बाकी को भी बना लेंगे।
इस तरह से तैयार कर लेंगे सारे नमक पारे को, या थोड़ा बना लें फिर बाद में साथ साथ करते रहें, लेकिन पहले थोड़ा इस तरह से बना के ज़रूर रख लें। अब इसे फ्राई करते हैं। एक कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें ऑयल डालेंगे। डीप फ्राई करना है इसलिए ज़्यादा ऑयल चाहिए। तेल को पहले अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। तेल में एक छोटी सी टिक्की डाल के देखेंगे कि तेल गर्म हुआ है या नहीं। बहुत ज़्यादा गर्म तेल में नमक पारे को नहीं डालना है। अभी बहुत धीरे धीरे करके ऊपर आया है इसलिए इसका टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे गैस का फ्लेम लो कर देंगे। पहले मैं एक नमक पारा डाल के देखूँगी। लो फ्लेम पे इसे लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे और निकाल लेंगे। अब और बाकी को भी डालूंगी। दो दो तीन तीन चार चार करके इसे फ्राई करेंगे लो फ्लेम पे। उलट पुलट करते रहेंगे कि हर तरफ से हो जाए। अगर ज़्यादा गर्म तेल में इसे फ्राई करेंगे तो ऊपर से तो ये पक जाएगा लेकिन अंदर से नहीं, क्योंकि इसमें काफ़ी लेयर है। तो लो फ्लेम पे फ्राई करने से अंदर तक अच्छी तरह से ये पक जाता है, नहीं तो अंदर कच्ची रह जाएगी। लाइट गोल्डन हो गया है, अब इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से सारे नमक पारे को फ्राई कर लेंगे। सारा नमक पारा फ्राई हो गया है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप इसे भी ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा और टेस्टी बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा काला नमक और चाट मसाला भी ऐड करूंगी। इसके ऊपर थोड़ा सा काला नमक छिड़क देंगे और थोड़ा सा चाट मसाला मिक्स कर देंगे। आप इसे किसी एयरटाइट कंटेनर में रख के स्टोर कर सकते हैं। कम से कम महीने तक ये बिल्कुल सही रहेगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और ये देखिए काफ़ी खस्ता तैयार हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है। अगर आपके घर कोई पार्टी है या कोई फेस्टिवल है तो आप इसे बना के रख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा टी टाइम स्नैक्स भी है, तो इस बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।